How to play Java Edition in Android Mobile. So guys, आज की वीडियो में जो आपको Java Edition देने वाला हूँ for Android, वो आपके मोबाइल में चलेगा ही चलेगा। साथ में उसमें आप अपना कस्टम नेम, कस्टम स्किन और आप किसी भी Java Edition के सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एंड ये चीज मैंने खुद टेस्ट की है। जब भी Java Edition को Android में लाने की बात आती है, सबसे पहले हमारा नाम आ जाता है पंजाब लॉन्चर। पंजाब लॉन्चर अभी रिसेंटली प्ले स्टोर से हटा दिया गया था कुछ गाइडलाइन वायोलेशन की वजह से, बट वो दोबारा से एंट्री लेकर के आ गया है एंड अभी उसमें और भी ज्यादा फीचर्स आ चुके हैं। वेट, अभी वीडियो को छोड़ के भागना नहीं। मेरे को पता है आपको Java लॉन्चर के बारे में मेरे से भी ज्यादा पता होगा, लेकिन इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक प्रीमियम अकाउंट को कैसे लॉगिन कर सकते हो जिसके ऊपर स्किन भी लगी होगी आपके मन मुताबिक की। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, जल्द से जल्द अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे चले जाए, वहां पे जाके पंजाब लॉन्चर को आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। सो सिंपली से अभी आपने क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करोगे तो वो परमिशंस मांगेगा, उसको अलाउ कर देना है। सो ओपन करने के बाद ऊपर कॉर्नर में आपको एक सेटिंग की ऑप्शन आ रही होगी, उस पर आपने सिंपली से क्लिक कर देना है। देन इसके बाद जो मैं आपको सेटिंग्स दिखा रहा हूँ वैसी वैसी आपने सेटिंग्स कर लेनी है। पहले नंबर पर वीडियो एंड रेंडरिंग में ये सेटिंग्स देख सकते हो, बिल्कुल एज इट इज इसको कॉपी कर लेना। देन बैक आने के बाद यहाँ पर कंट्रोल को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जैसे है उसको वैसे ही रहने देना है। एंड जावा ट्वीक में आ जाना है, यहाँ पर आपको अपनी रैम को चूज करना है। सो अभी रैम को आप कैसे चूज करोगे, अभी ये वाला मेरा जो डिवाइस है ये है मेरा 4GB का, तो इसको मैंने 1770MB पर रख रखा है, बिकॉज इससे अगर मैं ऊपर करूंगा तो मेरा गेम क्रैश हो सकता है। बाकी आपके मोबाइल में जितनी रैम है आप इसको अपने मुताबिक टेस्टिंग कर करके देखना कि कहां पर क्रैश कर रहा है और कहां पर बिल्कुल स्टेबल चल रहा है। तो इतना कर लेने के बाद आपको बैक आ जाना है, यहाँ पर आपको और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है। देन इसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। अभी बारी आती है अकाउंट्स को लॉगिन करने की, वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। तो गाइस सबसे पहले इसको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का इंटरनेट जरूर से ऑन कर लेना। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ऊपर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने सिंपली से इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का और एक आएगा लोकल अकाउंट। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास Java Edition परचेस्ड होगा और उनके पास बिल्कुल असली वाली Minecraft Java Edition होगी और वो अपने मोबाइल में खेलना चाहते होंगे, तो उनके लिए यहाँ पर ये पहले वाला ऑप्शन काम आएगा। और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए काम आएगा जिन लोगों के पास कोई अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें लॉगिन करना है। सिंपली से अभी आपको क्या करना है, लोकल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। लोकल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अभी आपको ये मांगेगा ईमेल एड्रेस और यूजर नेम। सो यहाँ पर अभी आपके पास कोई भी ऐसा यूजर नेम होना चाहिए जो कि माइनक्राफ्ट में एग्जिस्ट करता हो एंड उसके ऊपर स्किन भी लगी होनी चाहिए, भले वो प्रीमियम अकाउंट हो भले ही वो टी लॉन्चर का हो। सो अभी एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं एक यूजर नेम डाल देता हूँ, क्योंकि ये वाला यूजर नेम मैंने टी लॉन्चर पर बना रखा है एंड इस पे मैंने एक स्किन भी अपलोड करके रख रखी है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला यूजर नेम डाल दिया है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। अभी जिनके पास टी लॉन्चर का अकाउंट भी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, टी लॉन्चर की वेबसाइट पे जाकर के एक नया अकाउंट बना सकते हैं। देन वहां पर आप कोई भी स्किन को अपलोड कर सकते हो जो भी आप चाहते हो कि उस यूजर नेम पे वो लग जाए। देन उसके बाद टी लॉन्चर वाले आपको एक यूजर नेम तो प्रोवाइड कर ही देंगे, देन उस यूजर नेम को यहाँ पर डाल देना है लोकल अकाउंट वाले ऑप्शन में। देन इसको आपने लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर अभी लॉगिन तो कर लिया है, अभी आपका सक्सेसफुली यहाँ पर अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अगर कोई एरर आता है नीचे कमेंट में मेरे को बता सकते हो, मैं उस एरर को फिक्स करके एक वीडियो भी बना दूंगा। सो अभी यहाँ पर प्ले का बटन आ रहा है, लेकिन प्ले पर बिल्कुल मत क्लिक करना। अभी आपको मैं सेटिंग्स बताऊंगा कि क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए जिससे कि आप Java Edition को क्रिएट कर सकते हो। अभी ओनली अकाउंट आपका लॉगिन हुआ है, Java Edition क्रिएट नहीं हुआ है। सो गाइस अभी हमको गेम और Java Edition को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या करना है, एक पेंसिल का आइकन आ रहा होगा, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपने वही अपना यूजर नेम डाल देना है, या तो इसको डिफॉल्ट ही रहने देना, कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि आपने लॉगिन तो कर ही लिया है। देन यहाँ पर आप अपना कोई भी वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है कि आप किसी भी वर्जन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, भले वो अल्फा का हो, बहुत पहले गेम आई हो, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितने भी वर्जन माइनक्राफ्ट ने रिलीज किया है Java Edition के लिए, आप कोई भी वर्जन इसमें खेल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। सो यहाँ पर एक मैं रेफरेंस के लिए 1.18.2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरे पास अभी डाउनलोडेड है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल्स वाले ऑप्शन को डिफॉल्ट रहने देना है एंड इसके नीचे GVM आर्गुमेंट्स है इसको भी डिफॉल्ट रहने देना है एंड यहाँ पर इसका पाथ है इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है एज इट इज, और इसका जो जावा रन टाइम है इसको भी एज इट इज छोड़ देना है। देन यहाँ पर आपको रेंडर पर क्लिक करना है। रेंडर पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पे क्लिक कर देना है, क्योंकि इससे ये होगा कि आपका जो माइनक्राफ्ट है वो बहुत ही आसानी से चलेगा आपके
डिवाइस में और बहुत ही अच्छे से जो वर्ल्ड्स है वो रेंडर हो जाएंगे। देन इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपका आराम से एक वर्जन भी बन चुका है, बिल्कुल अच्छे से सेटअप हो चुका है। अभी बारी आ जाती है डाउनलोड करने की। सो अभी सिंपली से आपको क्या करना है, प्ले पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो 1.18.2 है वो डाउनलोड होगा एंड उसकी जो फाइल्स है वो बनेंगी। इसको होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 5 से 10 मिनट। इस टैब को बंद नहीं करना है। देन थोड़ी देर वेट करने के बाद यहाँ पर आपके जो कंट्रोल्स है वो इंपोर्ट हो जाएंगे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको एक रैम का ऑप्शन आ रहा होगा, कुछ ये दिखा रहा है, ऐसे क्रैश हो सकता है कुछ भी। आपको इसको सिंपली से ओके पर क्लिक कर देना है। देन आपकी जो माइनक्राफ्ट है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी रुके रुके रुके, अभी भागना नहीं कहीं पे। अभी आपको मैं इसकी इंटरनल सेटिंग्स बता दूंगा क्या क्या करनी है जिससे कि गेम स्मूथ चले। एंड आपको ये भी बताऊंगा इसमें आप मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको मैं सेटिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए आपको ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको वीडियो सेटिंग में चले जाना है। वीडियो सेटिंग में यहाँ पर जो आपको सेटिंग्स दिख रही है सारी एज इट इज आपने कॉपी कर लेनी है। जो भी दिख रहा है सब कुछ वैसे वैसे कर लेना है। अभी बताऊंगा, वीडियो और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहता वीडियो और ज्यादा लंबी हो। सो इसको एज इट इज कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद इसको डन पर क्लिक कर देना। अभी आपको क्या करना है, इसको वर्ल्ड को जनरेट करना है। वर्ल्ड को जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिंगल प्लेयर पे चले जाना है। सिंगल प्लेयर पे जाने पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर देना है। यहाँ पर आपको मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसको मैं क्रिएटिव कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर ऊपर नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, नाम कुछ भी रख सकते हो अपने मन मुताबिक। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अलाउ चीट को ऑन रखूंगा। देन उसके बाद क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर दूंगा। देन हमारा जो वर्ल्ड है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइम भी ले सकता है, डिपेंड करता है आपका डिवाइस कैसा है। सो गाइस अभी हमारा ये वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है एंड ये पूरा जावा एडिशन ही है, जावा एडिशन की तरह ही वर्क कर रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन पे सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं जहां से आप इसको चलाकर मूव कर सकते हो, तोड़ सकते हो चीजों को। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आप वर्ल्ड बना लेते हो तो एकदम से मूव करना स्टार्ट मत करो। इस गेम को 1-2 मिनट तक खोल के रखा करो जिससे कि इसमें जो भी चीजें रेंडर होने वाली है वो अच्छे से रेंडर हो जाए। बाद में आप इसको आराम से चलाना, बाद में आपके जो FPS है वो भी अच्छे से आएंगे। अगर आपको अभी भी गेम चौपी चल रहा है, बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हो, उसके लिए दोस्तों आपको मैं एक ऑप्टिफाइन दूंगा इसके लिए, पुजावा लॉन्चर के लिए। तो वेट करो, अभी उसकी भी वीडियो आएगी, इसी वीडियो में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। सो अभी बात आ जाती है मल्टीप्लेयर की। तो मल्टीप्लेयर खेलने का एक डिफरेंस प्रोसेस है, वो कैसे करना है, वो क्या कैसे उसके स्टेप्स हैं, क्या क्या उसके रूल्स हैं, क्या क्या उसके ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें बताऊंगा तो वीडियो आराम से 15 मिनट की बन जाएगी। बाकी आपको सिंगल प्लेयर खेलना मैंने दिखा दिया कैसे खेल सकते हो, फुल्ली जावा एडिशन है, बिना किसी एरर के आपके सामने ही सब कुछ किया है। ये सारा कुछ मैंने खुद ट्राई किया है तभी मैं बताता हूँ, बिना उसके नहीं बताता। सो पंजाब लॉन्चर के रिलेटेड और भी वीडियोस आपको स्क्रीन पे आ रही होंगी क्योंकि इन पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। एंड अगर मैंने मल्टीप्लेयर पे वीडियो बना दी हुई तो यहाँ पर भी वो शो हो रही होगी, तो उसको आप देख लेना। बाकी अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वैसे ही वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अभी मिलते हैं उसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।